का बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, खास करके किसानों के लिए उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में। सितंबर और अक्टूबर के महीने में हम सामान्य रूप से रोपाई करते हैं, इसके बाद दोबारा हम फरवरी और मार्च के मौसम में रोपाई करते हैं। इसलिए आगे की पौध तैयार करना और इस समय की रोपाई दोनों जानना अति आवश्यक है। ऐसे में किस्मों का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। किस्में दो तरह की होती हैं, जिसमें नर मादा अलग तरीके अलग अलग होते हैं, उन्हें हम द्विलिंगी किस्में कहते हैं, जैसे पूसा नन्हा, पूसा ड्वार्फ और पन पपीता एक। और कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिसमें मादा और उभयलिंगी पौधे होते हैं, उनमें हैं जो प्रजातियाँ, उनमें अर्का सूर्या, अर्का प्रभात, रेड लेडी, सिंटा, ये ऐसी प्रजातियां हैं जिसमें सभी पौधों में फल आता है। अगर आप पूसा नन्हा या पूसा ड्वार्फ जैसी किस्मों का चुनाव कर रहे हैं तो आपको पौध से पौध की दूरी 1.5 मीटर या 5 फीट कह सकते हैं, और वही आपकी कतार से कतार की दूरी होगी। इसी क्रम में अगर आप उभयलिंगी किस्मों का चुनाव कर रहे हैं जिसमें अर्का प्रभात या रेड लेडी या सिंटा जैसी किस्में हैं, तो आप पौध से पौध की दूरी को 1.8 मीटर रखिए और कतार से कतार की दूरी को 1.8 मीटर, या अगर आपको कोई और शस्त्र क्रियाएँ बीच में करनी है तो आप 2.1 मीटर भी रख सकते हैं। इस तरह से करेंगे तो आपको 1 हेक्टेयर में करीब 3000 के आसपास पौधे प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर रोपाई का समय मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगला महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि आपको पौध कहाँ से मिलेगी और बीज कहाँ से मिलेगी। अगर आप नए किसान हैं तो कोशिश करें कि आप पौध को कहीं से प्राप्त करें, किसी निजी संस्थान या सरकारी संस्थान से। पूसा में पूसा के दो रिसर्च सेंटर जो हैं वो पूसा समस्तीपुर बिहार, वहाँ पर आपको पूसा ड्वार्फ का बीज मिल जाता है और पौध भी मिल जाती है। लेकिन जहाँ तक हमारे इंदौर सेंटर की बात है, जहाँ पर पूसा नन्हा का बीज मल्टीप्लाई किया जाता है, वहाँ से आपको पूसा नन्हा का बीज मिल सकता है। ध्यान यहाँ पर ये रखें कि 1 ग्राम में करीब 50 बीज होते हैं और आपको 1 एकड़ में या 1200 पौधे के आसपास की आवश्यकता होती है। उसके अनुसार ही आप पौध को तैयार करें, और 1 ग्राम से आपको करीब 30 पौध मिलती है। आने वाला मौसम सर्दियों का मौसम है और सर्दियां सबसे प्रतिकूल मौसम होती है पपीते के लिए। अक्सर पाले के चलते उत्तर भारत और मध्य भारत में बड़े क्षेत्रों में पपीते का नुकसान होता है। यहाँ पर हम किसानों को सलाह ये है कि जो भी अगर आपकी फल लगे हुए हैं और वो परिपक्व हो रहे हैं, 125, 130, 135 दिन के हो रहे हैं, तो हर हालत में उनकी नवम्बर के आखिरी सप्ताह तक तुड़ाई कर लें और उनको बाजार में बेच दें। वो कमरे के तापक्रम पर पकने की अवस्था में आ जाते हैं। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी का जो मौसम होता है, उस समय काफ़ी पाले पड़ते हैं और पाले के वो अनुकूल मौसम होता है। उस मौसम में हम मौसम की भविष्यवाणी का ध्यान रखें और प्रति सप्ताह हल्की सिंचाई करते रहें, और साथ ही साथ पोटेशियम नाइट्रेट 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करें 10 से 12 दिन के अंतराल पर, और सल्फर 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें, तो ठंड में कुछ हद तक पौधों को इससे राहत।